डिस्क्लेमर, इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही ज्ञान दिया गया है, तो ज्ञान अपने हिसाब से लें। धन्यवाद। हाँ यार, तो क्या हाल चाल है तुम लोग के? और ये मेरा चौथा इंट्रो है, चौथा रीशूट है। और उम्मीद है तुम लोग बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे होगे इस टाइम पे, क्योंकि कौन ही पढ़ रहा होगा भाई, अभी तो सब चिल कर रहे होंगे। और चिल करने वाला टाइम है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और 10th का रिजल्ट भी आने वाला है। देखो, 10th के रिजल्ट से ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो, क्योंकि हमको पता है 10th का रिजल्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे परिवार वालों को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बट लेट मी टेल यू, मैं ये जब से पढ़ा हूँ ना, मतलब जब से मैंने लिया है और एक दो पेजेस मैंने पलट पुलट के देखे हैं, लिटरली मैन, क्या है ये भाई, मैथ्स किधर है इसमें? तो पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है भाई, इसका नाम चेंज कर देना चाहिए 11th में, पता है मैथ्स से कुछ चेंज हो जाना चाहिए। तो ठीक है, बकवास हो गई बहुत, 15 दिन बाद वीडियो आ रही है भाई। देखो, मैं मर गया था खेल खेल के, इतना खेला मैं। तो अब 11th चालू करना है, अब हम ऑफिशियली भाई ऑफिशियली बड़े हो गए हैं, टीनेजर्स के एंड स्टेज पे हम आ गए हैं। और 11th 12th चल रहा है हमारा, चलेगा अभी, मतलब 5-6 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और हम भी नीट JEE UPSC कैट जे पता नहीं क्या CA चार्टर अकाउंट सब बनना है भाई। देखो, जिसको बनना है, जो बनना है, तो उसके लिए मेहनत करने में जुड़ जाएंगे यार सब। और अब तो जस्टिफाई है, अब नहीं तो कब, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना 11th कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ बेसिक टिप्स भाई, इतने दिन बाद एक तो कैमरा के सामने आया हूँ ना, मैं भूल रहा हूँ कैसे बोलना होता है। तो मैं बस तुम लोग को बताऊँगा कि 11th मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग में था, बहुत तगड़ा था। 6-7 दिन पहले मैं सोच रहा था मैं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, और मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया था, तो वहाँ पे बस शोभित निर्वाण जी का वीडियो आया था, उससे मैं खास में कुछ दिमाग चला नहीं, ठीक है। तो मैं अपना ही तरीका देखा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि काम करेगा, और फिर मैं तुम लोग कुछ बेसिक टिप्स देना चाहूँगा जो यूनिवर्सल टिप्स है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं तुम्हें कुछ पुड़िया दे दूंगा भाई, खाओ और मस्त है भाई 11th 12th, नहीं, मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दूंगा, बेसिक टिप्स जो यूनिवर्सल है, जो सारे टीचर्स बात करते हैं, मैं वही बोलूंगा, इससे और आए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना हमें वही फॉलो करना है, और मैं तुम्हारे बराबरी का ही हूँ, तो कुछ गलती हुई तो देख लेना। स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैं पहले क्लियर कर दूँ, जो तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा, तुम सुन चुके होगी 10th और 11th का सिलेबस धरती और चांद के डिफरेंस जितना है, मतलब क्या बोल दिया, छोड़ो, तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है 11th। देखो, मैं गया था बुक लेने, मेरे को केमिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में पता, अगर नहीं है तो जान लो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिफाइन है, और सिर्फ पार्ट 1 की जो बुक है वो अपने क्लास 10 के साइंस NCERT जितनी है, तो आइडिया लगा लो क्या है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़रूर से बात आती है कि भाई देखो, हम स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जहाँ से मैंने सुना है जितने टीचर्स है, कि क्लास 11 के इनिशियल चैप्टर्स बहुत ईजी हैं उसके आगे के मुकाबले। तो वो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो ना एक अच्छा हमारे लिए है, ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकती है। तो अगर स्टार्ट कैसे करनी है, मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ, बुक नहीं ली है अभी, जाओ बुक ले लो आज कल में, जब भी तुम देख रहे हो वीडियो, बुक ले लो, NCERT लेना, ठीक है। मैं अगर स्ट्रीम ले रहा हूँ PCM, ठीक है, मान लो तुम JEE NEET एस्पिरेंट हो, तुम गए PCM या PCB जो तुम है, उसकी NCERT ले लो बस, क्योंकि और कुछ लोगे ना अभी तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। सिंगेज विंगेज मेरे को बहुत सुनने को मिल रहा है, बुक्स के ऊपर हम कभी और डिस्कशन कर सकते हैं, बट देखो PCM लो, NCERT ले लो चुपचाप, NCERT लाओ अपने घर पे, यूट्यूब खोलो, मैं बता सकता हूँ, तुम कोई कोचिंग में हो गए या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तुम, तुम्हारा स्कूल खुलने वाला होगा राइट, ठीक है, तो उसके भी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली अभी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद चलेंगी, तुम्हारे पास इतना टाइम है अभी। तो मैं ना तुम्हें अभी इस टाइम सीधा प्रीफर कर रहा हूँ कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और अगर अभी टाइम है तुम्हारी कोचिंग या क्लासेस जो भी चलने में, तो तुम मैथ्स लगाओ। क्यों? क्योंकि साइंस में जो बाकी का है ना, उसमें नोट्स बनाना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता तुम अभी नोट्स बनाओ, फिर बाद में जाओ आगे फिर रिवाइज करो, तो वो फिर तुम्हें नोट्स यहाँ पे बनाना कुछ मतलब पड़ेगा नहीं। देखो, तो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बोलूँगा ना, मैथ्स लगाओ, और मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे सेट्स हो गया, फिर एक इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेंगे, देखो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अभी स्टार्ट किया है मैंने भी, तो यही कुछ है, ठीक है। तो तुम्हें स्टार्टिंग का पढ़ना है मैथ्स से स्टार्ट करके, और लेट मी टेल यू, मैथ्स पढ़ के ना, मतलब सिर्फ मैथ्स पढ़ के नहीं, तुम जो भी पढ़ोगे ना, मान लो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, उसके स्टार्टिंग के चैप्टर बस तुम पढ़ोगे ना, गाइस तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखो,
आम सी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तुम मेरे 1 हफ्ते वाले पुष्कर से और अभी वाले पुष्कर से पूछोगे ना, तो मैं ना रेडी हूँ अभी 11th करने के लिए। मैं बहुत डिस्टर्ब था ये 11th को लेके, सिलेबस को लेके, बट तुम जब करोगे ना, देखो करना तुम्हें ही है। देखो वो सब तो फालतू के वीडियो हो जाएंगे ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ अच्छा ये करो फिर यहाँ से शुरू करो ये करो, वो नहीं करना है। देखो पढ़ना तुम्हें, तुम जैसे पढ़ो, बस बात आती है कॉन्फिडेंस की। एक बार तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस बन गया ना यार, तो तुम फोड़ दोगे। तो स्टार्ट करो, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है तुम्हें। करते 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 अभी तुम करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम कर लोगे, ठीक है डन। तो यार एक एडवाइस मैं तुम्हें जो देना चाहूँगा ना, कि तुम मान लो कि तुम कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर तुम स्कूल भी कर रहे हो, तो तुम ना पहले तो बेस्ट लेना, ठीक है, तुम्हारे एरिया में जो होगा तुम बेस्ट लेना, वरना ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल ही है। तो उसमें भी ना मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ कि अपने जो भी टीचर्स होंगे ना उस पर पूरा विश्वास रखो यार। देखो क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं पहले से, तो यही बात है। देखो तुम्हें ना वो रोड मैप देंगे कि तुम्हें करना कैसे है, वरना तुम्हारा टाइम ना मैनेज नहीं हो पाएगा। लेट मी टेल यू, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने फिजिक्स का अर्जुना JEE लिया है, ठीक है, तो वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 10 जनवरी अगले साल खत्म हो रहा है। तो 8 महीना के आसपास ये लोग पूरा 11th कंप्लीट करवाए हैं विथ JEE का। तो मैं स्टिक होऊंगा उससे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा उससे बाद हो या उससे पहले हो जाए। क्या करूंगा भाई पहले करके, मैं अगर उस टाइम तक भी कर लूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इतना कुछ लोड लेना नहीं है, ठीक है, बस स्टिक करो। एक रोड मैप मिले तुम्हें कि कैसे करना है, तुम्हें पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। वो पाथ तुम्हें टीचर्स बताएंगे, वो तुम खुद से नहीं कर सकते हो, तो कोई तुम्हें बताने को होना चाहिए। और जो तुम्हें बताएगा ना उस पर तुमको विश्वास करना है, चलना है उनके साथ, ठीक है। और 11th है, और एक तो यार ये जितने मीम्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, कोटा फैक्ट्री देख लो, उसमें पूरा डिप्रेशन पे बताया गया है। फिर जितने वीडियोस बनते हैं, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं पहले, ठीक है, कि ये होता है 11th 12th में हार्ट फट जाती है, ये होता है वो होता है। देखो क्या पता रियलिटी होगी, क्या पता रियलिटी होगी, बट हमारे पास बीच में टॉपर्स भी तो हैं जो फोड़ चुके हैं यार। तो तुम्हें उनके ऐसा क्यों बनना है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बनो ना थोड़ा, और अलग करके दिखाओ थोड़ा सा। मैंने बहुत सुना है कि 11th के फिजिक्स के आखिरली में फेल हो गए, और जब जब मैं एग्ज़ाम देता था ना 9th के, मेरा ब्लॉक टेस्ट मेरे को याद आ रहा है, तो उसमें जो मेरे बगल में भैया लोग बैठते थे ना 11th के, वो लिटरली सर पकड़ लेते थे। एग्ज़ाम फिजिक्स का एग्ज़ाम था शायद, उसमें सर पकड़ लिया था मेरे बगल वाले भैया ने। तो क्यों बनना है वैसा तुम्हें, ठीक है, तुम सबके साथ स्टार्ट कर रहे हो, तुम सबसे आगे जा सकते हो तुम मेहनत करके, तो तुम्हें ऐसा क्यों बनना है, ठीक है। तुम जब कर सकते हो तो तुम कर सकते हो यार, खत्म है बात, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनना है, बात खत्म। हाँ यार, अगर मैं तुम्हें बेसिक टिप्स दे दूँ, जो तुम अगर मुझे अपना क्लासमेट मानते हो, मेरे से कुछ बेसिक टिप्स मैं अगर तुम्हें देना चाहूँ ना, और अगर तुम लेना चाहो, तो सबसे पहले स्टार्ट करूँ ना मैं भी। तो पहले तो होगा कि एक रूटीन बना लेता, ठीक है। स्कूल खुलने में अभी 1-2 हफ्ता है, कोचिंग या जो भी तुम ऑनलाइन होगी उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता अभी उन्होंने टाइम दिया होगा स्टार्ट होने में। और अगर नहीं भी है, तुम वीडियो बाद में भी देख रहे हो ना, तो एक रूटीन बना लो, ठीक है, जो तुम अगले 730 दिन फॉलो करने वाले हो, ठीक है। बीच में छूट जाए वो अलग बात है, बट तुम उसको फॉलो करने वाले हो। तुम्हें रूटीन बनाना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे ब्रश करना तुम्हारा रूटीन है, तुम्हें पता है, और तुम्हें हर दिन पढ़ना, उसे अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तुम्हें कम से कम इतना पढ़ना है, या ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट तो तुम अपनी क्रॉस कर सकते हो, कम से कम भी तुम्हारा एक लिमिट होना चाहिए। देखो एक रूटीन बनाओगे ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था कुछ 2 महीने पहले, 2 महीने के पहले से मेरे पे एकदम पढ़ा नहीं जाता था, और ये 2 महीने मेरी जितनी स्मूथली गए ना, मेरे को 8 घंटा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और अगर तुम आज मेरे से बोलोगे ना, जब एग्जाम खत्म हो गया, 15 दिन बीत गया, तुम आज मेरे से बोलोगे कि 8 घंटे पढ़ के दिखाओ या 5-6 घंटे भी लगातार बैठ लो, भाई मैं नहीं बैठ पाऊंगा। देखो मेरा रूटीन हिल गया भाई, 15 दिन में मेरा रूटीन हिल गया है, देखो पूरा पूरा खत्म है भाई। अभी वो तुम्हें बनाना पड़ेगा ताकि तुम अगले 730 दिन चल जाओ। अगर मैं उस टाइम पे अभी शुरू करूंगा ना, तो शायद उस टाइम पे मैं अच्छे से पूरा स्मूथली कर सकता, लेकिन जो बीच में जो गैप आ गया ना यार, वो तुम्हें ये 730 दिन में, ये तुम्हें ये 2 साल के बीच में नहीं आने देना है, क्योंकि ये क्रूशियल है और तुम्हें एक रूटीन में आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं टाइम टेबल की बात नहीं करना कि इस टाइम पे उठो, ब्रश करो, पढ़ो, स्कूल से आओ, खाना खाओ, सो जाओ, वो नहीं। रूटीन बनाओ, एक रूटीन से तुम्हारा ही हेल्प होता है, ठीक है। और ये रियलिटी है कि रूटीन हेल्प करता है, उससे एक फ्लो बनता है तुम्हारा, इससे तुम पढ़ पाओगे अच्छे मैनर में थोड़ा सा, ठीक है। ये रियलिटी है, मुझे पता है, मैंने किया है, ठीक
ठीक है यार। अगला, अगर मैं तुम्हें कोई टिप देना चाहूँ ना, तो वो बहुत सी बेसिक है और तुमने सुनी होगी कि टेबल और कुर्सी पे बैठने की आदत डाल लो। देखो तुम बेड पे बैठ के ना उतनी देर पढ़ नहीं सकते हो, पीठ दर्द होगा, तुम सो के कितना देर पढ़ोगे। तुम्हें टेबल और कुर्सी की आदत डालनी पड़ेगी ये 2 साल तक, ठीक है, तुम्हें डालनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ सके थोड़ा सा। लाइक समझो, इसकी आदत डालना तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें बैठना है, ठीक है, बस बैठना है, कुछ भी करना है, गेम खेलना लाइक एक्सेप्शन हो जाएगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें बैठना है ताकि तुम आने वाले सालों में उसे बढ़ा, आने वाले दिनों में उसे बढ़ा के 7 घंटे से 10 घंटा भी ले जा सको। देखो वो ले जाना पड़ेगा तुम्हें, 11th 12th है भाई, सबसे हार्डेस्ट ईयर माने जाता है स्कूल एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन पे। तो कुर्सी पे बैठने की आदत डाल दो, इतना हार्ड नहीं होता यार, मेरे पे विश्वास करो, थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारा फ्लो बन गया ना मेरी जान, फिर तो तुम्हें मजा आएगा। देखो कुर्सी पे बैठ के तुम कुछ भी कर दोगे। तो देखो अगला जो, लाइक मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि लाइक ये जो 15 दिन थे ये हमने वेस्ट कर दिए, और इसी में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ के हमसे बहुत आगे निकल गए होंगे, लाइक उनके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गएंगे 11th के कुछ कुछ। तो देखो वो रियलिटी है, कुछ बच्चे ऑब्वियसली होंगे जो हैं भाई स्पेशल, जो पढ़ लिए होंगे देखो, लेकिन हम तो एवरेज है ना, तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर गए ना, हमारे दिमाग में वो लेजनेस नहीं होगी। बस बात क्या करना है कि हमारा जो जोश लेवल है ना, वो पूरे साल हाई रखना है, ठीक है। मतलब नहीं पड़ता तुम स्टार्टिंग में अगर पढ़ के आगे निकल गए और बाद में जाके तुम लुल हो जाओ या गिर जाओ, ठीक है, वो तुम्हें पूरे साल मेंटेन रखना है। तो इसकी टेंशन मत लो कि बच्चा पहले पढ़ के आगे निकल गया है, तुम ये देखो कि अब तुम और पढ़ के उससे आगे कैसे निकल सकते हो। भाई मैं इतना मोटिवेशन कैसे दे रहा हूँ यार। यार अगला टिप, ठीक है, टिप ही टिप है भाई आज तो। लाइक बहुत सारे वर्ड है जो तुमने सुना होगा टीचर्स से या बहुत सारे लोगों से, कि जैसे डिसिप्लिन हो गया, हार्ड वर्क हो गया, रेगुलरिटी हो गई, और बिलीव इन, क्या क्या होता है वो सब वर्ड। तो देखो ये सब वर्ड ना सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन करना और इनका मतलब जानना ना बहुत हार्ड है। देखो लेट मी टेल यू, एक एग्जाम्पल लो, डिसिप्लिन वर्ड भाई, ये वर्ड लाइक तुम्हें डिसिप्लिन का मतलब पता है? देखो मैं तुम्हें डिसिप्लिन का मतलब बताऊँ ना, तो डिसिप्लिन वो होती है जैसे तुम्हें मान लो कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम उसे ऐसे कर रहे हो जैसे वो तुम्हें प्यार है भाई, तुम बचपन से पैदा होते ही वो करते आए हो। जैसे मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ उसे, लेकिन ऐसे कि उसमें प्यार है और मैं उसे लाइक कर रहा हूँ लंबे समय तक, तो वो डिसिप्लिन हो गया मेरा। और यही डिसिप्लिन को अगर तुमने 2 साल तक कर लिया और जितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ड्स हैं, तो बस यार और क्या चाहिए, नॉर्मल बच्चे ही तो निकालते, क्या एलियन थोड़े होते हैं जेई नीट निकालने वाले, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है, आने वाले 2 साल तुम्हें घिसना है, बस स्टार्टिंग का तुम्हें जो जोश है उसको गिरने नहीं देना है, ठीक है। और एक बहुत बेसिक सी टिप है कि नेवर गिव अप, ठीक है भाई, तुम कर रहे हो या तो हारोगे या तो जीतोगे, ठीक है, यही होगा ना, उससे याद है कि तुम कर रहे हो कम से कम, ठीक है। तुम्हें अपना 100% नहीं देना है, तुम्हें अपना 90% देना है, क्योंकि 100% कोई नहीं दे सकता है। तुम अगर 90% भी दे दोगे यार, तो तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन तुम्हें वो 90% पूरे थ्रू द ईयर्स देना है, लाइक 2 साल पूरे अच्छे देना है, ठीक है। बीच में शादी आएंगी जो आएंगी वो तुम करो अटेंड, ठीक है, लेकिन फिर ये भी ध्यान देना कि बाद में अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ो और उसको बैकलॉग ना बनने दो, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अभी जैसे आज 4 है, ठीक है, 4 अप्रैल, आज 10 अप्रैल से लाइक मैं पढ़ना पूरा जो कहता है ना एकदम लेवल पीक लेवल वाला, वो पढ़ाई मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी तुम आदत डाल दो कुर्सी टेबल की, या फिर जो भी तुम्हें रूटीन या कोई रूटीन ऐसा बनाना है बना लो, ठीक है, पूरे वीडियो में मैंने बताया है तुम्हें। तो बस यही था आज वीडियो के लिए, और कंग्रेचुलेशन तुम 11th में आ चुके हो अब, ठीक है। तो बस हम बड़े हो गए भाई, अब करना है यार, अब 2 साल तो बस घिसना है और मज़े से घिसेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नॉर्मल वीडियोज़ के साथ, ठीक है, बाय।